नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज चाय के बिजनेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ फोन कॉल्स आए हैं मेरे पास में को वो लोग पूछते हैं कि सर, हम लोग नए हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड की, तो हम किस प्रकार से सक्सेस हो सकते हैं बिना नॉलेज के। तो दोस्तों, उनके लिए तो मेरा इतना ही कहना है कि ये पंक्ति मुझे याद आ रही है कि नए दीवानों को देखूँ तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखूँ तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे इन चाय के बागानों में। दोस्तों, जब इन चाय के बागानों से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं भी कुछ ऐसा ही था, आप लोगों के जैसा ही था। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जैसे आप लर्निंग करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपकी भी नॉलेज बढ़ती हुई चली जाएगी और आप प्रोग्रेस करते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ में जब आप पूरी तन्मयता से काम करते हैं तो सक्सेस हमेशा मिलती है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर, हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमें संशय है क्योंकि हमने पास्ट में कुछ ऐसे किया जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ। कॉन्फिडेंस हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसका हमें बताएं। तो दोस्तों, कृष्ण ने भी अर्जुन से गीता में कहा है कि हे पार्थ, अगर काम तुम्हारे सीधे हाथ में होगा तो सफलता तुम्हारे उल्टे हाथ में होगी। तो दोस्तों, अगर आपने काम को पूरी तन्मयता से किया, आपने अपना 100% प्लस एक्स्ट्रा दिया, तो आप लोग जरूर कामयाब होंगे उस फील्ड के अंदर। देखिए, लाभ हानि यश अपयश ये विधाता के हाथ में होता है। आपका जो फर्ज है वो वर्क करना है, जो काम करना आपका फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है। अब वो कहते हैं कि सर, हम किस प्रकार से कॉन्फिडेंट हो, तो उसका कॉन्फिडेंस का एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, 100% प्लस एक्स्ट्रा इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। कि जब आप किसी भी काम को, जितना एफर्ट्स आपको देना चाहिए उस काम को करने के लिए, जब आप उतना एफर्ट देते हो प्लस में एक्स्ट्रा एफर्ट आप उसके अंदर लगाते हो, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो और आप कामयाबी के अधिक ज्यादा नजदीक होते हो। कुछ ने पूछा सर कि हम कितना प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उनके लिए मैं दोबारा से यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब आप वर्क इज वर्शिप, कि जब आप काम को पूजा की तरह करते हैं, एक आप खुदा की इबादत कर रहे होते हैं, उस तरीके से अगर आप इस काम को करते हैं, इसको या किसी भी कार्य को, अपने बिजनेस को करते हैं, तो पैसा आता नहीं है दोस्तों, बरसता है। क्योंकि जो मनी है, जो वो बाय प्रोडक्ट है, जो प्रॉफिट है वो बाय प्रोडक्ट है। जब एक आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जब एक अच्छा काम आप करते हैं, जब आप किसी भी काम में मास्टरी करते हैं, आप मास्टर हो जाते हैं उस काम के अंदर, तो पैसा जो है वो पीछे पीछे आता है आपके, आपको जाना नहीं पड़ता है पैसे को अर्न करने के लिए। और इसके साथ दोस्तों, मैं आपको कुछ बता दूं कि जो हमने एक सर्विस दी, मैंने अपनी ही वीडियो में बताया कि जब मैंने ब्लेंडिंग की वीडियो में बताया था कि हम लोग ये ऐसा नहीं करते हैं कि आप अपने पास हमारे पास में सैंपल भेजिए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सैंपल्स हमारे पास में आते थे, इस वजह से हमने उसको रोका, उस कार्यक्रम को, वो सर्विस हम प्रोवाइड नहीं करते थे, कि आप अपने लोकल ब्रांड का जो भी वहाँ आपके यहाँ चल रहा होता है उसका सैंपल्स हमें भेजते थे और हमसे चाहते थे कि हम वैसा ही आपको बताएं कि ये जो है मतलब किस प्रकार की चाय है, और वैसे ब्लेंड हम तैयार करके दें। लेकिन अभी वो सर्विस हमने चालू कर दी है, उसके लिए भी आप आ सकते हैं, आप अपने सैंपल्स हमारे पास में भेज सकते हैं, हम वो आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार की जो चाय है वो मिक्स की हुई है और आप किस प्रकार से उस ब्लेंड को तैयार कर सकते हैं, या उससे अच्छा ब्लेंड आप तैयार कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि उससे अच्छा ब्लेंड तैयार कीजिए, वैसा भी करें और उससे अच्छा भी करें। क्योंकि देखिए, अच्छी चाय की अभी भी रिक्वायरमेंट बाकी है, अभी भी इस फील्ड के अंदर बहुत काम बाकी है, बहुत काम कर सकते हैं आप इस फील्ड के अंदर, अपार संभावनाएं हैं आपको इस फील्ड के अंदर काम करने के लिए। इसके साथ में दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सर, कंपटीशन कितना है इस फील्ड के अंदर, तो बहुत कंपटीशन होगा क्योंकि बहुत सारे किराना स्टोर हैं या ये हैं। देखिए, अभी तक इतना कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर। अभी और भी बताना चाहूँगा कि कंपटीशन, मेरा मानना है कि कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर कंपटीशन नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि मैं आपके यहाँ पे आता हूँ या आप मेरे यहाँ आते हो, हम लोग जूस पीने के लिए जाते हैं एक बाजार के अंदर, वहाँ पे 3 रेहड़ियाँ लगी हुई हैं जूस की, और हमने पहले वाली रेहड़ी से जूस पिया, उसमें जूस काफ़ी भीड़ थी, उसने जूस जो डाला वो थोड़ा कम क्वान्टिटी में डाला हमारे गिलास के अंदर, वो कम रह गया। हमने जैसे तैसे पी लिया, मन किया कि कह दें उसे कि हमने पैसे पूरे दिए तो तू जूस आधा कम क्यों दे रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कह पाए भीड़ की वजह से। दूसरे दिन हम फिर से उस बाजार में जाते हैं, लेकिन आज हम पहली रेहड़ी को चूज नहीं करते हैं, पहले ठेले को चूज नहीं करते हैं, हम जो दूसरी शॉप पे जाते हैं, जो दूसरा शॉप है या रेहड़ी है या ठेला है, वहाँ पे हम जाते हैं जूस के लिए बोलते हैं, तो वो जो जूस देता है वो पूरा गिलास भर के आपको जूस देता है, हम लोग वो जूस पीते हैं, ओके। तीसरे दिन फिर से हम जाते हैं मार्केट के अंदर, और हम आज जो तीसरे वाली जो रेहड़ी दुकान जो ठेले को चूज करते हैं कि उस पर हम लोग जूस पीना चाहते हैं, उस पर पीते हैं, हमें उसने गिलास में पूरा जूस भर के दिया, हम लोग पी रहे हैं उस जूस को, ओके। जैसे वो कुछ खाली हुआ, उसने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा जूस और डाल दिया उसके अंदर, उस गिलास को फिर से भर दिया। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी मार्केट में। अब हम फोर्थ डे अगर हम जाएंगे तो हम कौन से वाली रेहड़ी को, कौन से वाली शॉप को चूज करेंगे दोस्तों?
सभी का आंसर होगा कि थर्ड वाली को, थर्ड वन को, जिसने कुछ एक्स्ट्रा डाल के दिया। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन वहां भी था, तीन रेडियां लगी हुई हैं, वहां भीड़ है, उनमें भी कंपटीशन है, लेकिन अब हम जो है उस थर्ड रेडी के क्लाइंट बन गए हैं, कस्टमर नहीं रहे। कस्टमर तो हम तीनों के थे, लेकिन अब थर्ड वाली रेडी के हम क्लाइंट बन चुके हैं, अब हम वहां जाएंगे। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, ये हर फील्ड में लागू होता है। जब आप कुछ एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हो, जब कुछ अच्छी क्वालिटी आप प्रोड्यूस करते हो, अच्छा एफर्ट करके देते, तब आपके के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। देखो दोस्तों, तीन कैटेगरी के लोग होते हैं, ए बी और सी इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। ए कैटेगरी के लोग वो लोग हैं जो आपसे 100 रुपीज़ लेते हैं और 80 रुपीज़ का वर्क आपको करके देते हैं, वो ए कैटेगरी के अंदर आते हैं। बी कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो आपसे 100 रुपीज़ लेते हैं और 100 रुपीज़ का वर्क करके आपको देते हैं, वो बी कैटेगरी। सी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपीज़ लेते हैं और 120 रुपये का काम आपको करके देते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है दोस्तों। और ए कैटेगरी के लिए कंपटीशन बहुत है इस दुनिया के अंदर, बी कैटेगरी के लिए ठीक ठाक सा चलता है, उसका धंधा ठीक ठाक सा चलता है, लेकिन सी कैटेगरी के लिए कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। ऐसे लोग हर संस्था को चाहिए, हर फील्ड को चाहिए, हर कंपनी को चाहिए, हर आदमी को ऐसा लोग, ऐसे बंदे चाहिए जो कि सी कैटेगरी में आते हैं, जो 100 रुपये लेते हैं और 120 रुपये का काम करके देते हैं। तो अगर आप चूज देखिए, अपने आप को चेक कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ए कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए अपार कंपटीशन है, अगर आप बी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए ठीक ठाक सा मार्केट है, लेकिन अगर आप सी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। आप अपने तरह के, आप अकेले हो उस फील्ड के अंदर और आपके पास काम की कोई कमी नहीं रह जाएगी जब आप सी कैटेगरी में आते हैं। तो आपको चूज करना है कि आपको कंपटीशन में कहाँ रहना है, आपको ए कैटेगरी में रहना है, बी में रहना है कि सी में रहना है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। और सैंपल्स के लिए इसी बीच में आपको बता दूं, कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि सैंपल सर नए लोग हैं कि वो पूरे वीडियो नहीं देख रहे हैं, इस वजह से वो पूछ रहे हैं। अदरवाइज अगर पूरे वीडियो की सीरीज देखें तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो सैंपल किस प्रकार से परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बता दूं कि हमने अभी दो ऑप्शन दे दिए हैं कि जो नए लोग हैं उनके लिए एक सैंपल का सेट बना दिया है पूरा, कि 25 सैंपल्स हैं उसके अंदर, जो कि सिर्फ आपको 450 में मिल जाते हैं, 5% उस पर GST लगता है, यानी कि 472 रुपीज़ की कॉस्ट में सैंपल, 25 सैंपल का सेट आपके घर पहुंच जाता है, जिससे आपको नॉलेज हो जाती है। तो स्टार्टअप के लिए आप उस सैंपल ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि ग्रेड कौन सी है। वो उन लोगों के लिए है जो चूज का ऑप्शन है, जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि 20 रुपये का एक सैंपल, 10 रुपये उसका कोरियर चार्ज। कि जो पुराने लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग, जिनको अपनी ब्लेंडिंग करनी है या अपने अकॉर्डिंग जो चाहे उनके यहाँ चलती है, उस कैटेगरी के वो सैंपल आप मंगा सकते हैं चूज करके। उन्हें 10 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए सैंपल, क्योंकि देखिए उस कैटेगरी में अगर आप जाते हैं, एक तो आपको समझ में नहीं आती जो नए लोग हैं कि सैंपल की कौन सी ग्रेड में मंगवाऊं, दूसरा ये रहता है कि उसमें थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है, क्योंकि वो 30 रुपीज़ का सैंपल पड़ता है। इधर आपको सिर्फ 25 सैंपल जो है, जो 472 रुपीज़ में मिल जाता है एक सेट पूरा। वहाँ पे अगर आप 25 सैंपल मंगवाते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है 750 रुपीज़ की, अब प्लस 5% GST लगता है, ठीक है। लेकिन वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना चूज करके मंगाना चाहते हैं, जिनको ग्रेड की नॉलेज ऑलरेडी है। जो नए लोग हैं उनके लिए सैंपल सेट बेटर है, ताकि उन्हें ज़्यादा समझाना नहीं पड़े। जब सैंपल होगा तो उन्हें समझ में आसानी से आएगा, उन्हें समझते हुए मज़ा आएगा, मुझे समझाते हुए अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो सैंपल मंगाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारी साइट का एड्रेस दिया गया है, jerkinshop.in, फ़ोन नंबर भी दिया गया है मेरा, जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को ऑनलाइन की नॉलेज नहीं हो, बड़ा सिंपल और साधारण सा तरीका है काम मंगवाने का, फिर भी नॉलेज नहीं होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी का अकाउंट नंबर आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप जो है सैंपल का ऑर्डर लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ।